जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेज, दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। दोस्तों यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो इससे एक नंबर के प्रश्न जरूरी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं एक्सीलरोमीटर। दोस्तों एक्सीलरोमीटर का यूज जो होता है यह वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र होता है। दोस्तों जो एक्सीलरोमीटर होता है यह वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र होता है। दोस्तों आगे देखते हैं हम कि होता है एनीमोमीटर। तो दोस्तों जो एनीमोमीटर होता है इसको हम ये किसका यंत्र होता है, तो दोस्तों यह वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र होता है। दोस्तों एनीमोमीटर क्या होता है, तो वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एपिकायस्कोप। क्या है दोस्तों एपिकायस्कोप, इसका यूज दोस्तों किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों इसका यूज अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण होता है। दोस्तों जो एपिकायस्कोप है इसका यूज अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं एक्यूमुलेटर। क्या है दोस्तों एक्यूमुलेटर, जिसका यूज दोस्तों विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र होता है। ये दोस्तों जो एक्यूमुलेटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एक्टिनोमीटर। तो दोस्तों जो एक्टिनोमीटर होता है यह दोस्तों सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। दोस्तों क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है उनकी तीव्रता को निर्धारित करने वाला या फिर निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं ऑडियोमीटर। तो दोस्तों जो ऑडियोमीटर होता है यह ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। दोस्तों ऑडियोमीटर किसके लिए होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं ऑडियोफोन। तो दोस्तों जो ऑडियोफोन होता है यह सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। दोस्तों किसी को जो प्रॉब्लम होती है कम सुनाई पड़ता है तो वो लोग ऑडियोफोन का यूज करते हैं, जिनसे उन्हें अच्छे से सुनाई पड़ने लगता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एयरोमीटर। तो दोस्तों जो एयरोमीटर होता है यह वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र होता है। एयरोमीटर क्या होता है दोस्तों, वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अल्टीमीटर। तो दोस्तों जो अल्टीमीटर होता है यह विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। किसकी ऊंचाई दोस्तों, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है अल्टीमीटर। आगे दोस्तों हम देखते हैं एमीटर। तो दोस्तों एमीटर के बारे में आप जानती होंगे, आपके घर पे यूज भी किया जाता है। दोस्तों ये होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र क्या होता है, एमीटर होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं ऑरीस्कोप। तो दोस्तों जो ऑरीस्कोप होता है यह कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। दोस्तों किसके लिए होता है, तो यह कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एवोमीटर। तो एवोमीटर दोस्तों होता है रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र होता है। दोस्तों एवोमीटर किसके लिए होता है, तो रेडियो में उत्पन्न जो दोष होता है उसमें जो कमियां होती है उसको पता लगाने का यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं बैरोग्राफ। तो दोस्तों बैरोग्राफ जो होता है यह किसका यंत्र होता है, तो दोस्तों यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र होता है। वायुमंडल जो उसमें प्रेशर होते हैं उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसके ग्राफ को अंकित करने वाला यंत्र कौन होता है, तो ये बैरोग्राफ होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं बैरोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं, तो ये होता है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। दोस्तों इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक है बैरोग्राफ जो कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के ग्राफ को अंकित करता है, लेकिन ये बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं हमारा आता है बाइनोकुलर्स। तो दोस्तों बाइनोकुलर्स होता है यह वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है। आवर्धित मतलब दोस्तों क्या होता है, बड़ा करके दिखाने वाला। तो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है दोस्तों, बाइनोकुलर्स होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं बोलोमीटर। दोस्तों बोलोमीटर का आप नाम नहीं सुने होंगे, आज सुन लीजिए। तो बोलोमीटर दोस्तों
उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र होता है। क्या दोस्तों? उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कैलिपर्स। तो कैलिपर्स दोस्तों ये होता है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र होता है। दोस्तों जो कैलिपर्स होता है किसके लिए होता है? तो बेलनाकार वस्तुएं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, अमेजिंग फैक्ट की वीडियो, यदि सभी टाइप की आप वीडियो देखना चाहते हैं स्टडी रिलेटेड वीडियो, तो आप दोस्तों स्टडी विद उदय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।